आखिर क्यों स्टीव जॉब्स ने दुनिया का सबसे पहला आईपॉड एक्वेरियम में फेंक दिया? तो गाइस हुआ कुछ ऐसा था कि एप्पल के इंजीनियर्स महीनों की मेहनत के बाद आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप बनाया तो उन्होंने स्टीव जॉब्स के सामने आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया। स्टीव जॉब्स ने थोड़ी देर वो आईपॉड के साथ खेला, उसको इंस्पेक्ट किया और आखिर में उसको रिजेक्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसका साइज अभी भी बहुत बड़ा है, तो इंजीनियर्स ने कहा कि उन्हें आईपॉड बनाने के लिए चीजों को वापस से रीइन्वेंट करना पड़ेगा और आईपॉड को 1 mm और छोटा बनाना भी इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद स्टीव जॉब्स कुछ मोमेंट के लिए चुप रहे, फिर वो अपनी कुर्सी से उठ के एक्वेरियम के पास गए और आईपॉड को उसमें डाल दिया। जब आईपॉड एक्वेरियम के बॉटम में था तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू हुए। स्टीव जॉब्स ने कहा, हेयर बबल्स, मतलब इसमें अभी भी स्पेस है, इसे और छोटा बनाया जा सकता है। सच में स्टीव जॉब्स अपना पॉइंट बहुत ही यूनिक वे में एक्सप्रेस करते थे।